हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है टेंस के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि टेंस क्या है, क्या होता है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो टेंस होता है उसका हिंदी में मतलब होता है काल यानी समय। टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर वन पे आता है प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पे आता है पास्ट टेंस और नंबर थ्री पे आता है फ्यूचर टेंस। ये जो टेंस है इसका हिंदी में मतलब होता है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, और पास्ट टेंस यानी भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल यानी जो हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं, जो भविष्य में काम करने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस में इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट टेंस है इसका भी चार मतलब पार्ट होता है यानी चार भागों में इसको बांटा गया है। नंबर एक पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर दो पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नंबर तीन पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर चार पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस का भी चार पार्ट होता है। पास्ट टेंस इसका जो नंबर वन पे आता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट नंबर दो पे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर थ्री पे आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और नंबर फोर पे आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस TEC टेंस नंबर वन पे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट नंबर दो पे आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और नंबर थ्री पे आता है फ्यूचर परफेक्ट, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट। और नंबर फोर्थ पे आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर PERFECT परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से जो टेंस है वो हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।